हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे न्यू एलईडी थॉमसन एंड्रॉयड टीवी 9A सीरीज़, मॉडल नंबर इसका 32PATH पाथ 0011। ये एलईडी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, 32 इंची एलईडी है, ओनली 11,000 की है। तो अभी हम आज इसको इंस्टॉल करके दिखाएंगे और इसके बारे में बताएंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके साथ आई हुई है, तो अभी हम इसको फ़िलहाल साइड में रख के आपको एलईडी निकाल के दिखाते हैं। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे और दिखाएंगे क्या क्या फीचर्स वगैरह इसमें, सब कुछ आपको दिखाते हैं। तो ये सीरीज़ हमारे पास आई है 9A। ये देखिए बिल्कुल स्लिम है, बहुत ही अच्छा टीवी है और रिव्यू भी इसके बहुत अच्छे आते हैं, लोगों ने भी बहुत पसंद किया इसको। सबसे ज़्यादा एलईडी इंस्टॉलेशन में आती है, फ्लिपकार्ट से बाई होती है। तो ये देखिए बिल्कुल स्लिम है। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे। ये कुछ पोर्ट वगैरह इसके दिए हुए पीछे, तो इसके बारे में बताते हैं अभी आपको। ये देखिए AV1, AV2, USB1, USB2 और एक साइड में नीचे की तरफ इसके HDMI वगैरह दे रखे हमें। ये अभी दिखाते हैं आपको इसमें। ये देखिए यहाँ पे HDMI वगैरह है, TV का ऑप्शन है, ऑप्टी केबल है, AV का भी है, ईयरफोन का भी है। और ये हमें साथ में मिला है एक रिमोट, दो बैटरी और दो टेबल स्टैंड है ये। और क्या क्या है इसमें देखते हैं। एक हमें ये गाइड लेंस मिला है, ये वारंटी कार्ड है इसका। तो अभी हम इसके रिमोट को देखते हैं, रिमोट में क्या क्या है। तो चलिए अभी हम इसमें एक बार ये बैटरी डाल लेते हैं। रिमोट बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम इसमें फंक्शंस है, क्योंकि ये ऑनलाइन चैनल लेने के लिए होता है स्पेशल। जो हमारा केबल वगैरह चलेगा उसी से चलेगा। ये बुकलेट है दोस्तों, इसमें चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये ऑन ऑफ का बटन इसमें, ये म्यूट का है, ये इनपुट का है और ये ऐप वगैरह है, ये नोटिफिकेशन अप डाउन राइट लेफ्ट ओके। और ये इसके बाद आता है बैक का, ये गूगल असिस्टेंट, ये होम पेज का, ये वॉल्यूम कम का और वॉल्यूम प्लस का। उसके बाद प्राइम वीडियो है, सोनी लीव और यूट्यूब। यूट्यूब हमारा फ्री चलता है, बाकी इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। चलो अभी हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो अब हमारी LED ऑन हो चुकी है। तो अभी हम होम पेज पे आ गए दोस्तों। तो अभी स्टार्टिंग से करते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है हमारा, जो भी नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद आता है इनपुट। इनपुट में हमारे चैनल वगैरह, HDMI हो गया, HDMI 2, HDMI 3, AV1, AV2, यहाँ पे केबल वगैरह चलेगा या कैमरा वगैरह चलाना हो। उसके बाद आता है वाईफाई। वाईफाई चलो अब हम यहाँ से कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको। तो अभी सर्च होगा यहाँ पे, यहाँ से हम वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं अपना पासवर्ड डाल के। तो हमने पासवर्ड डाल दिया है इसको, अभी हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद अभी हमारे यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। तो वाईफाई हमारा कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। उसके बाद आता है अकाउंट एंड साइन इन। यहाँ पे हमें अकाउंट बनाना पड़ता है गूगल असिस्टेंट के लिए। गूगल असिस्टेंट के लिए अकाउंट बनाने के लिए मेल आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद आता है ऑप्शन ऐप्स का, इसमें सभी ऐप्स वगैरह होते हैं। यहाँ से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, इधर से कोई परमिशन ऐप को देनी है नीचे दे सकते हैं हम। ये देखिए सभी ऐप्स वगैरह यहाँ पे, कौन सा कितने क्या MB का है सब इसमें दिया हुआ है, जो जितने MB का है वो सब यहाँ पे है। ये ऐप परमिशन है, यहाँ पे हम किसी भी ऐप को परमिशन दे सकते हैं। ये देखिए उसके बाद स्पेशल ऐप एक्सेस है ये। उसके बाद आता है डिवाइस प्रेफरेंस। डिवाइस प्रेफरेंस में अबाउट का होता है, अबाउट में हमारी LED का पूरा ब्यौरा होता है, इसमें सिस्टम अपडेट होता है। यहाँ पे अपडेटिंग आएगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद ये डिवाइस का नेम है, रिस्टार्ट करना हो हमें, ये इसके बारे में स्टेटस दिया हुआ है, सीरियल नंबर वगैरह, लीगल इन्फॉर्मेशन है सारी स्टेटस में देखिए, ब्लूटूथ एड्रेस वगैरह, ये सब कुछ, सीरियल नंबर वगैरह, IP एड्रेस वगैरह सब होता है इसमें हमारा। तो बैक आते वापस लीगल इन्फॉर्मेशन में, ओपन लाइसेंस वगैरह, गूगल का लीगल सिस्टम, वेब व्यू, लाइसेंस, सब लाइसेंस है। ये मॉडल है हमारा,
पाथ 7X प्रो, वर्जन हमारा 9 है। उसके बाद आता है एंड्रॉयड सिक्योरिटी पाथ लेवल, तो ये चीज़ें इसमें है अबाउट में। तो अभी बैक आते हैं हम वापस, बैक आने के बाद डेट एंड टाइम, यहाँ से हम अपना डेट एंड टाइम और चेंज कर सकते हैं। कई बार यहाँ पे चेंज हो जाता तो यहाँ से हम दोबारा अपना सेट करते हैं जो हमारा टाइम एक्चुअली है। उसके बाद आता लैंग्वेज, लैंग्वेज हम ऑलरेडी इंग्लिश सेलेक्ट कर चुके हैं यहाँ पे। ये हमारा कीबोर्ड है जहाँ पे हम सर्च वगैरह करते हैं, करंट कीबोर्ड, जी बोर्ड की सेटिंग वगैरह सब है यहाँ पे। सभी सेटिंग्स वगैरह है, टर्म एंड सर्विस है, प्राइवेसी पॉलिसी, ओपन लाइसेंस वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। ये साउंड है हमारी, साउंड में जाके हम साउंड को यहाँ से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसी में रहने देते हैं, तो बैक आ जाते हैं वापस। बैक आने के बाद अभी दिखाते हैं फिर स्टोरेज, स्टोरेज में है इंटरनल स्टोरेज दिखाते हैं आपको। ऐप ने 283 MB लिया हुआ है, बाकी जो कुछ है अवेलेबल अभी हमारा 4.2 GB है। वापस आने के बाद ये होम स्क्रीन आ जाता हमारा। होम स्क्रीन में ये चीज़ें हैं, तो गूगल असिस्टेंट आ जाता है। गूगल असिस्टेंट में हमें अपना आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है, मेल आईडी पासवर्ड, तब हमारा काम करेगा। क्रोमकास्ट बिल्ट इन, क्रोमकास्ट बिल्ट इन के लिए हमें सेम नेटवर्क चाहिए, सेम नेटवर्क से चलता है। इसके बाद आता है स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर में हम अपने हिसाब से इसमें मिनट सेट कर सकते हैं, उसी हिसाब से हमारी स्क्रीन जो है उतने मिनट में सेव हो जाएगी। उसके बाद लोकेशन का ऑप्शन आता है, ये ऑटोमेटिक पहले ही फीड है। तो वापस बैक आते हैं, यूसेज एंड डायग्नोस्टिक ये हमने यहाँ से ऑन कर दिया। उसके बाद सिक्योरिटी एंड रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पे हम अपना सिक्योरिटी वगैरह फिल कर सकते हैं। एसेसिबिलिटी, ये हमारे टेक्स्ट वगैरह के बारे में है, हमें कुछ भी टेक्स्ट वेक्स्ट करना हो, उसका साइज़ वगैरह करना हो, उसके बारे में रीसेट यहाँ से कर सकते हैं हम एलईडी को। उसके बाद आता है रिमोट एंड एसेसरीज, यहाँ से हम दूसरा कोई ब्लूटूथ रिमोट हुआ या फिर ब्लूटूथ स्पीकर हुए, ईयरफोन हुए, वो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी पीछे वापस आते हैं, क्या क्या इसमें। यहाँ पे हमारा केबल चलेगा लाइव टीवी में, ये प्ले स्टोर दिया हुआ है, यूट्यूब म्यूजिक है, और ये प्ले गेम्स वगैरह यहाँ से खेल सकते हैं, ये यूट्यूब है। उसके बाद आता है प्ले मूवी, यहाँ पे सब कुछ सीरियल वगैरह देख सकते हैं। प्राइम वीडियो हम अपने हिसाब से सब्सक्रिप्शन से चलेंगे। ये यहाँ पे हम हमारा USB शो होगा, पेन ड्राइव वगैरह, ये लाइव चैनल वगैरह चलेंगे। ऐड कुछ हमें अलग से करना तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। ये हमने अभी एंड्रॉयड सेटिंग्स सेलेक्ट कर ली, इसमें हम अपनी सेटिंग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। एंड्रॉयड में HDMI की हो गई, ऑडियो आउटपुट हो गई, पावर ऑन मोड हो गया, तो ये सेटिंग्स वगैरह सभी ये ऐप्स है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का LED है। तो अभी हम ऐसी वीडियो आती रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू।